हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनवेट तनु। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ आई फ्लू, जो कि बहुत ज़्यादा इधर बीच फैला हुआ है। उसे हम कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, जिसे आप पिंक आई भी कह सकते हो। इसमें आपकी आँख पूरी लाल हो जाती है, स्वेल कर जाती है, इवन काफ़ी लोगों को दिखना भी बहुत ज़्यादा ब्लरी हो जाता है, दिखता सही से नहीं है। सो व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस? कंजक्टिवाइटिस और आई फ्लू आपका एक आई का इन्फेक्शन होता है। आपकी आई में एक कंजक्टिवा लेयर पाई जाती है, फ्रंट स्किन जिसे हम कहते हैं आई की, वो आपकी यहाँ पे इन्फेक्ट हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है उसमें। इसकी वजह से यहाँ पे हो जाता है, आपको पिंक आई भी कह सकते हैं इसको, या तो आई फ्लू हो जाता है आप। सो इस पिक्चर में आप नॉर्मली देख पा रहे होंगे कि नॉर्मल आई और कंजक्टिवाइटिस वाली आई में दोनों में डिफरेंस, तो आप देख के पता कर सकते हो कि आपको कंजक्टिवाइटिस हो चुका है। यहाँ पे आपको रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। ये रेडनेस और स्वेलिंग जो है, ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों की वजह से हो सकता है। ये वायरल और बैक्टीरियल दोनों डिजीज़ होती हैं, मतलब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस बैक्टीरिया भी हो सकता है और वायरस भी हो सकता है, ठीक है। अब इस पिक्चर में आप अच्छे से देख सकते हो कि कॉर्निया होता है आपका आई का, और वहाँ पे कंजक्टिवा लेयर प्रेजेंट होती है, जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरिया और वायरस दोनों की वजह से कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। सो यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस। पहला आपका यहाँ पे है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जिसमें क्या आपकी आईज देख रहे हो नॉर्मल रेड हो जाती है। इसमें हल्के हल्के आपको इचिंग होगी, खुजली होती है आंख में, और रेड हो जाती है आपकी आई, स्वेल कर जाती है आपकी कंजक्टिवा लेयर जो मैंने आपको बताई, और आईलिड जो होती है ये पूरी स्वेल कर जाएगी। तो ये पहला है आपका एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। सेकेंड है आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस, जिसमें कि आप आंखों में से देख सकते हो कि एकदम आंसू बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि लैक्रिमेशन का इंक्रीमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है, पानी आने लगता है आपकी आंखों से, लाल हो जाती है आपकी आंखें, और यहाँ पे हमेशा इचिंग भी होती रहती है। और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में आप देख रहे हो कि गंदगी वगैरह भी थोड़ी थोड़ी आती है, मतलब कि रेडनेस हो जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी आई में, स्किन के आसपास में आपकी ड्राइनेस यहाँ हो जाएगी, और म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होने लगेगा। कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स जो होते हैं, आपकी आँखें पूरी रेड होने लगेंगी, और आपको इचिंग होने लगेगी आँख में, एकदम खुजली होने लगेगी, और वाटरिंग होने लगेगी, मतलब कि पानी आने लगेगा आँखों में, डिस्चार्ज होने लगेगा आँखों से, ठीक है, जिसमें कि मैंने अभी म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज में मैंने आपको बताया। सेंसिटिव टू लाइट, मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट के आसपास में जा रहे हैं तो आपकी आँखों में और ज़्यादा पेन होने लगेगा, और अगर बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज़ हो जाता है तो आपका विजन जो होगा आपको एकदम ब्लर ब्लर दिखने लगेगा, सही से दिखाई नहीं देगा। तो अगर आपको आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस हो भी जाता है तो तुरंत आपको एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, और वो भी डॉक्टर के कंसल्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो भी देंगे आपको, आई ड्रॉप वगैरह, ऑइंटमेंट्स वगैरह, ठीक है, तो एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ये बैक्टीरिया और वायरस डिजीज़ है। आप सही से इसका इलाज नहीं करोगे तो काफ़ी ज़्यादा इसका कॉज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपकी आँखों के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं अगर आपको कंजक्टिवाइटिस अगर ऐसे हो जाता है तो। साथ ही साथ आप घर में भी इसका ध्यान रख सकते हो कि मतलब वार्म और कोल्ड कंप्रेसेस, मतलब कि आप क्लीन कर सकते हो अपनी आँख को। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ढंग से अपनी आँखों को ओपन करके प्रॉपरली, पहले तो साफ़ पानी होना चाहिए, ऐसा गंदा पानी नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ गंदे पानी की वजह से, आँखों को टच करने की वजह से ही आपको बीमारी हो रही है। तो आपको पानी को उबाल के उसको हल्का सा नॉर्मल होने तक उसको रख देना है, मतलब हल्का वार्म वाटर लेना है, और आपको तब अपनी कॉटन की हेल्प से अपनी आई को क्लीन करना है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी आईज क्लीन हो जाएंगी और आपको फिर आराम भी मिलने लगेगा धीरे धीरे वार्म वाटर की वजह से, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो घर पे भी, अदरवाइज़ अगर आपको हो जाता है तो आप तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा लो। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप गॉगल लगा रहे हो तो गॉगल लगाना भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा मस्त हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके सिम्टम्स और इसकी बीमारी आप कैसे बच सकते हो इससे, क्योंकि लाइट आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। तो आप ब्लैक कलर का चश्मा, ब्लैक गॉगल यूज़ कर सकते हो कि जिसकी वजह से लाइट आपकी आँखों में ना आए और ज़्यादा इरिटेशन ना हो। लास्ट आता है आपका प्रिवेंशन, तो जिसको भी ये बीमारी है आपको उससे थोड़ा सा कॉन्टैक्ट नहीं रखना है, सो अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट। जिसको भी अगर ये आपको सिम्टम्स भी लग रहा है कि उसको होने वाला है, तभी भी आप उससे दूर हो जाइए, क्योंकि वायरल डिजीज़ है
तो आपको तुरंत ही हो सकती है। और बार बार आँखों पे हाथ नहीं लगाना है आपको, और यहाँ पे अगर आप मुंह पे हाथ लगा भी रहे हो तो प्रॉपरली आपको हैंड वॉश कर लेने चाहिए, ओके, एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड तक आपको हैंड वॉश करना है। और बार बार आपको टच नहीं करनी है अपनी आईज़, और रब नहीं करनी है, क्योंकि इसकी वजह से आपका वायरस जो है आपका एंटर कर जाएगा आपकी आँखों में, ठीक है। तो जिसको भी ये बीमारी है उसके कोई सामान आपको यूज़ नहीं करने हैं, सो अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवल्स वगैरह। और इस बीमारी में आपको लेंस लगाना भी थोड़ा सा स्किप करना चाहिए, क्योंकि लेंस की हेल्प से भी वायरस आपकी आँखों में आ सकते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर लगा रहे हो तो उसको देख लो, अगर साफ होने चाहिए, वो क्लियर होने चाहिए, एकदम क्लीन होने चाहिए, अदरवाइज तो आपको तुरंत हो जाएगा ये। एंड वियर अ मास्क, मास्क लगा सकते हो आप, क्योंकि वायरल डिजीज है तो आप में तुरंत ट्रांसमिट हो सकती है। और आप मेडिकल एडवाइस वगैरह भी ले सकते हो इससे रिलेटेड, कि आप इससे बचे हुए रहो, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो। इसमें मैं आपको एक हल्का सा ट्रीटमेंट बता रही हूँ जो कि आप घर पे भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा आपकी आई स्वेल कर जाएंगी। तो यहाँ पे आप पानी ले लो, पानी को लगभग आप 10 मिनट तक यहाँ पे बॉईल करो, ठीक है। उसमें हो सके तो आप लीव्स वगैरह जैसे कि तुलसी वगैरह की हो गई, नीम वगैरह की, क्योंकि इसमें साफ़ पानी आपको चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, स्ट्रेन द इन्फ्यूज वाटर एंड लेट इट कूल कम्प्लीटली, और मतलब आप छान लो क्योंकि पत्तियां वगैरह उसमें से निकल जाए, आप उसको स्ट्रेन कर लो। इसके बाद क्या हो जाए, उसको आप ठंडा कर लो, कूल कर लो पानी को, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल आप बाहर रख दो जब तक वो ठंडा हो जाए। इसके बाद आप उसमें कपड़ा ले लो छोटा सा जो कि आपकी आँखों में आप रख सको, क्लीन होना चाहिए क्लोथ आपका, तो आप उसी को सोक कर लो पानी के अंदर और स्क्वीज कर लो थोड़ा सा, मतलब निचोड़ लो, और तब क्या कर लो आप 10 मिनट के लिए अपनी आंखों के ऊपर 10 मिनट बाद आप उसको रिमूव कर सकते हो। और यही प्रोसेस आप दिन में 2 बार आप इसको कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा इससे, क्योंकि हल्का सा वार्म हल्का सा कूल नॉर्मल वाटर रहेगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और आपकी स्वेलिंग भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो घर में, अदरवाइज़ आपको प्रिस्क्रिप्शन तुरंत ही लेना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी दवा लेनी चाहिए। ये तो आप ऐसे ही कर सकते हो कि जल्दी कोई चीज़ आपकी ठीक हो जाए, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल ऑफ वंस, ओके। आपको जरूर शेयर करना चाहिए ऐसे वीडियोस कि लोगों को पता रहे और वो बच सकें इस बीमारी से, क्योंकि वायरल डिजीज है। आप जैसे कोरोना से बचते हुए आए आपका अपना हैंड सैनिटाइज करते हुए, वैसे सेम आपको इससे भी बचना है, क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ओके। थैंक यू, बाय बाय।